वेलकम एवरीवन। कल हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था जो बजट का हमारा इनिशियल इंप्रेशन पड़ा था, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। स्टार्ट ऑफ करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक साइड पे, जहाँ पे गवर्नमेंट ने एम्बिशियस टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले बात करें तो जीडीपी ग्रोथ और फिस्कल डेफिसिट पे करते हैं। जीडीपी ग्रोथ 5% पे देख रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट 4.9% पे देख रहे हैं। अनलाइकली है कि अचीव होंगे, मिस होंगे, क्योंकि हिस्टोरिकली भी होते हैं। द बिग वन एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम IMF स्टैंडपॉइंट इज टैक्स कलेक्शन। 7 trillion का टैक्स कलेक्शन टारगेट है, जो कि नए मेजर्स जिसमें रियल स्टेट और रिटेलर्स हैं इंक्लूड टैक्स नेट में लाने में, उसके बाद भी ये टारगेट हमें कलेक्ट होते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो इस वजह से लेट्स सी हाउ द डिस्कशंस गो विद IMF। फर्स्टली इन्फ्लेशन का टारगेट 11.5% पे था। इन्फ्लेशन का टारगेट 11.5% पे तो गिवन के 11.8 पे तो 2022 की एवरेज इन्फ्लेशन है, बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। हमने अभी अभी पेट्रोल प्राइसेस किए हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का अगर आप टारगेट देखें इस बजट में, तो उस हिसाब से तो अभी और इंक्रीजेस आएंगे, तो अनलाइकली है कि 11.5% पे इन्फ्लेशन भी रीच होगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट्स मोर एंड लेस गवर्नमेंट मिस ही करेगी, एंड इसीलिए आप ये भी एक्सपेक्ट रखें कि गवर्नमेंट मिनी बजट्स और लाएगी, मैंडेटरी होगा। बात करते हैं बजट के सेक्टोरियल इंपैक्ट्स की। सबसे पहले ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल मार्केट्स के लिए जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो बेसिकली टैक्सेशन स्ट्रक्चर पे हुई है। तो जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है CGT, अब डिफरेंट एसेट क्लासेस के लिए सेम करती है। तो इसमें रियल स्टेट हो या इक्विटीज हो, योर CGT इन द इनिशियल ईयर इन द फर्स्ट ईयर विल बी 15%, और उसके बाद कैस्केडिंग स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया जिसमें 2.5% हर साल कम होगा, 6 साल के बाद देर इज नो कैपिटल गेन टैक्स। ऑन द नेगेटिव साइड हाउएवर सेक्शन 62, 62A और 63 को एलिमिनेट कर दिया है, विच बेसिकली डेल्ट विद टैक्स क्रेडिट जो कि ऑन ऑफर होते हैं ऑन योर इन्वेस्टमेंट इन IPOs, म्यूचुअल फंड्स, VPS, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। कॉर्पोरेट्स की बात करें तो थोड़े से नेगेटिव इंपैक्ट हम लोगों को देखने पे आए हैं। जिस भी कॉर्पोरेट की 300 मिलियन से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी सारी है PSL में, उन पर 2% एडिशनल टैक्स लगेगा। उसके अलावा जो एडवांस टैक्स है, एडवांस इनकम टैक्स है, जो इम्पोर्ट स्टेज पे पहले एग्जेम्प्टेड होता था, वो अब एडजस्टेबल हो गया है। ये भी थोड़ा सा स्लाइटली कैश फ्लो पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा नेगेटिव है। उसके अलावा जो डिप्रिसिएशन साइड है, उसमें अगर आप नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता था वो 3 साल पे पहले मिलता था, अब आपके पास अलाउंस दिया हुआ है कि आप 100% फर्स्ट ईयर में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अगर सीमेंट्स के लिए बात करें तो बजट प्रीटी मच न्यूट्रल था, न्यूट्रल टू नेगेटिव कह लें एक्चुअली था। रियल स्टेट में जिस तरह टैक्सेशन लगी है उसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि डिमांड में कमी आई रियल सीमेंट्स एंड स्टील की, तो उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट, जो टैक्सेशन मेजर्स हैं रियल स्टेट पे उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि जो टैक्स बेनिफिट होता है ऑन डेप्रिसिएशन, आप 100% यूटिलाइजेशन ऑफ फर्स्ट ईयर में कर सकते हैं। सीमेंट्स क्योंकि एक्सपैंड कर रही हैं तो उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है। बाकी उसके अलावा 727 billion जो है वो डैम्स और PSDB में एलोकेट किया गया है। अगेन PSDB वैसे भी हमारा कट डाउन ही होता है, हम लोग एक्सपेंडिचर कट डाउन करें तो अनलाइकली है कि ये पूरा यूटिलाइज होगा। तो आई थिंक इसका न्यूट्रल इंपैक्ट है, बिकॉज नंबर्स तो आप कितने भी हाई एलोकेट करते हैं फर्क नहीं पड़ता है। फार्मर्स पे हमने जिस तरह कल भी बात की थी, 30 APIs पे ड्यूटी जो है वो एग्जेम्प्ट कर दी है, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया बिल्कुल कस्टम ड्यूटी से, तो विच ओवरऑल ब्रॉडली सेक्टर के लिए पॉजिटिव हो जाता है। OMC के लिए एज सच बजट में कुछ है नहीं, एक्सेप्ट फॉर जो PDL जो हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया है कि PDL का जो टारगेट है वो 710 billion है, ये अचीव नहीं हो सकता। अगर हम लोग तीस रुपये का भी PDL अचीव करें तो फिर बैकवर्ड वर्किंग पे नंबर्स 25% की ग्रोथ नज़र आती है आपको OMC वॉल्यूम्स के अंदर, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो आई थिंक उसके लिए OMC के लिए हम लोग बात करें तो मोस्टली न्यूट्रल है। फूड सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो फूड सेक्टर के लिए भी बजट पॉजिटिव है, बिकॉज हम लोगों ने देखा कल भी इस पर बात की थी कि सीड्स की इम्पोर्ट पे जो सेल्स टैक्स है उस पर एग्जेम्पशन ग्रांट कर दी गई है, तो ये पॉजिटिव हो जाता है आपके लिए कंपनीज लाइक यूनिटी द फार्म मेज के लिए। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें एंटरटेनमेंट सेक्टर की, हमने कल भी बात की थी 5-year टैक्स हॉलीडे दिया है प्रोडक्शन हाउसेज को, फिल्म मेकर्स को एंड द लाइक, तो इससे ऑब्वियसली फ़ायदा हो जाता है। मतलब हमारे सेक्टर में एक ही लिस्टेड है जिसमें हम नेटवर्क, तो उसका फ़ायदा हो जाता है। टेक्सटाइल्स के लिए समवॉट पॉजिटिव बजट है, क्योंकि हमने कल भी देखा था, कल भी बात की थी इस बारे में, DLTL की मद में तकरीबन 40 billion के इनके रिसीवल्स खड़े हुए हैं, जो कि गवर्नमेंट ने कहा कि फौरी रिलीज करेंगे तो जून के अंदर ही रिलीज़ कर देंगे, तो वो उनके लिए पॉजिटिव हो जाता है। फिर सेकेंडली जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उस पर उसकी इम्पोर्ट पर टैरिफ रैशनलाइजेशन की है, विच इज़ पॉजिटिव। ऑब्वियसली वो उसकी रैशनलाइजेशन जो है वो केमिकल्स कंपनीज के लिए नेगेटिव हो जाती है, बट टेक्सटाइल्स के लिए पॉजिटिव है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बात करें तो बजट काफ़ी नेगेटिव है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, GOP जो इम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो भी इम्प्लॉइज हैं,
उनको बाहर कर दिया गया कि वो साल कोई नई गाड़ी नहीं खरीद सकते, तो दैट्स अ सेगमेंट ऑफ डिमांड जो कि एकदम से खत्म हो गया है, तो वो चीज़ नेगेटिव हो जाती है ऑब्वियसली। उसके साथ साथ 1600 cc से अबव जो गाड़ियाँ हैं उन पे जो एडवांस टैक्स है उसको 100% से इंक्रीज करके 200% कर दिया गया है, तो ये काफ़ी नेगेटिव हो जाता है कंपनीज लाइक इंडस मोटर्स के लिए जिनकी इस सेगमेंट में गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। होंडा के लिए अगर हम लोग बात करें तो होंडा के लिए ये नेगेटिव नहीं है बिकॉज अब जो नई सिविक भी आ रही है वो 1500 cc टर्बो चार्ज इंजन के साथ आ रही है, तो वो 1600 बिलो ही है। उसके अलावा ट्रैक्टर्स के लिए 5% जो कस्टम इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी रिमूव कर दी गई है, तो उसकी वजह से थोड़ा लोकल ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स के लिए कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाता है। बैंक्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी नेगेटिव है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो टैक्स स्ट्रक्चर है ऑन द बैंकिंग सेक्टर वो 39% से इंक्रीज करके 43% कर दिया गया है। उसके अलावा जो पॉवर्टी एलिवेशन टैक्स है जिसकी हमने पहली बात की वो 2% का लगा है, जैसे इन एसेंस आपका जो टैक्स है वो 39 से उठ के 45% पे लग गया है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया कि बैंक का ADR क्या है, और उसकी ये पहले कर चुके हैं एक्चुअली, लेकिन इस बजट में फिर से रिफॉर्म किया गया है कि ADR के बेसिस में उनका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है उस पर टैक्स डिफाइन होगा। सो अगर ADR आपका विच इज योर एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो 40% से बिलो है तो 55% टैक्स लगेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट पे, अगर बिटवीन 40% and 50% है तो 49% लगेगा, और अगर 50% से ऊपर है तो 42% लगेगा। फाइनली हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए। टेक्नोलॉजी सेक्टर पे जो जितनी भी IT कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उन पे अब लग गया है 0.25% टर्नओवर टैक्स लग गया है, तो सेल्स पे टैक्स लग रहा है 0.25%। ये ऑब्वियसली कंपनीज के लिए, टेक कंपनीज के लिए नेगेटिव है। इससे पहले जो कंपनीज भी एक्सपोर्ट कर रही थी और 80% ऑफ द प्रोसीड्स वापस आ रही थी उन पे 0% टैक्स था, तो अब 0.25% हो गया है। इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है लेकिन नेवरदलेस समवॉट नेगेटिव इम्पैक्ट ही है टेक्नोलॉजी सेक्टर पे। ओवरऑल अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो आई थिंक मार्केट में थोड़ा सा अभी भी कॉशियस रहना चाहिए। जिन सेक्टर्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है उनमें ऑब्वियसली एक हमें मूव नजर आएगी, लेकिन उसके अलावा आई थिंक IMF के वेंटेज से अभी भी देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी डन दिस बजट। जैसा मैंने पहले भी कहा था मिनी बजट्स एक्सपेक्ट करें, मिनी बजट्स प्रॉब्ली आएंगे और जल्द आएंगे, तो मार्केट के वेंटेज से अगर मार्केट होता था एक इनिशियल रिएक्शन दे भी दे लेकिन उसके बाद थोड़ा सा शायद हो सकता है हमें फिर से लैकलस्टर एक्टिविटी। Thank you for watching, and if you've got any questions, please do let us know.